देखिए, हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर पूरा होते हुए अपनी इन आंखों से देख रहे हैं। कितनी आंखें थीं जो बंद हो गई ये सपना देखने के लिए, कितने ही संघर्ष, सदियों का संघर्ष, सदियों की लड़ाई, मुकदमाबाजी, अदालत, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन आज वो दिन आया है कि 22 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम के अवतरण की तिथि है रामनवमी। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप खुद आचार्य हैं। सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी के द्वारा कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है और धर्म के आधार पर ये बिल्कुल भी गलत है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, ये धर्म विहीन है। कैसे, क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में ये धर्म विहीन है? देखिए, पहली बात तो नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है, इसमें विघ्न डालना छोड़ो। और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के। लेकिन स्वीकार तो नहीं किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, स्वीकार नहीं किया। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। लेकिन आप बताइए, क्योंकि आप इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अब आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्य का विषय है, क्या अभी कभी आपने समझाने का प्रयास किया एक वरिष्ठ जन होने के नाते, आचार्य होने के नाते, कि इस तरीके, क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कुटिलता कर रही है, कुटिल राजनीति कर रही है और ये सिर्फ राजनीति है, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धर्म विरोध। पहली बात, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक राज्य के नहीं है, राम किसी एक वर्ग के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक धर्म के नहीं है। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, जगत नियंता राम, पार ब्रह्म परमेश्वर राम, जगत पिता जगदीश्वर राम, जहां हमारे राम हमारी आस्था के आधार हैं। तो इस पर कोई लेकिन बट किंतु परंतु करना व्यर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, राम को किसी एक पार्टी तक सीमित मत करो। राम को अगर आप एक पार्टी का मानोगे तो फिर अयोध्या को भी एक पार्टी को सौंपना पड़ेगा, फिर इस सनातन का क्या करोगे, फिर इस भारत का क्या करोगे? क्योंकि राम के और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक लोग, जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टियां भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रही हैं, ये गलत कर रहे हैं, पुनर्विचार करना चाहिए। एक और सवाल ये कहा गया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तो क्या रोजगार मिलेगा, क्या डेवलपमेंट होगा, इस तरीके की जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं राजनीतिक गलियारों से, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में प्रभु के श्री राम के मंदिर से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा है? बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से डेवलपमेंट। मैं अयोध्या की रज को माथे पे लगा करके ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या का विकास पूरे विश्व में अद्वितीय विकास हो रहा है और सुनिए, लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन प्रश्न रोजगार का नहीं है, प्रश्न नौकरी का नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो उपवास करके राम भजन करते हैं, राम हमारी आस्था के आधार हैं, इसलिए राम को रोजगार से जोड़ना उचित नहीं होगा, राम आस्था का प्रश्न है। आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे, कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में बोलने की आजादी है, आंतरिक लोकतंत्र है। जो लोग राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं उनका अपना मत है, मैं राम के निमंत्रण को स्वीकार करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान राम के दर्शन करने का अधिकार सबको है, सबको आना चाहिए। आचार्य जी, आपको तो 22 तारीख का निमंत्रण मिला हुआ है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, आज आप पह
पहले ही आ गए हैं रामलला के दर्शन करने, मुख्य प्रयोजन क्या रहा, क्या मांगा आज आप? देखिए, भगवान राम का दर्शन जब भी किया जाए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन हाँ आज एक विशेष प्रयोजन भी है। आज कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और मैं रामलला से ये प्रार्थना करने आया हूँ कि भविष्य में वो देश की प्रधानमंत्री बने।